सकते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखा दूं, जो यहाँ पे जन्माष्टमी की सजावट होती है ना, बहुत ही सुंदर रहने वाली है। एनसीआर में रहते हो, यहाँ पे नहीं आए तो आपको दिल्ली एनसीआर में रहने देगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई देखने। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ों पे कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है भाई, ये देखिए सारा लड़ियों से सजा रखा है। उस तरफ देखे तो उस तरफ देखिए दोस्तों, अंदर से जो है दर्शन करके आ गए हैं भाई। अंदर का जो माहौल था ना, बहुत ही सुंदर लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस्कॉन श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जन्माष्टमी काफ़ी पास में आ गई है, तो आज के इस ब्लॉग में सारा आपको इस्कॉन टेम्पल घुमाने वाले हैं और यहाँ से संबंधित सारी जानकारी वगैरह देने वाले हैं। जन्माष्टमी के समय यहाँ पर किस तरीके से क्राउड वगैरह रहता है, कितनी भक्तों की संख्या रहती है, किस तरीके से जो है मंदिर को पूरा सजाया जाता है, सारा कुछ ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। और भाई पीछे देख सकते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखा दूँ, जो यहाँ पे जन्माष्टमी की सजावट होती है ना, बहुत ही सुंदर रहने वाली है। अगर आप फैमिली के साथ आने का अपना विचार कर रहे हैं तो भाई ज़रूर आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मंदिर में अंदर जाकर के आरती में बैठ करके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ घुमाने वाले हैं, यहाँ संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं। राधे राधे, चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी वगैरह दे देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। और यहाँ देखिए सारा कुछ यहाँ पे बता रखा है, जो 7 सितंबर को जन्माष्टमी रहने वाली है, जो कार्यक्रम है प्रातः 4:30 बजे स्टार्ट होकर के 12:30 बजे तक चलने वाला है, और जिसमें कि आपको मंगल आरती, श्रृंगार दर्शन, फूल बंगला, कलश अभिषेक आरती, सुंदर झांकियाँ, संकीर्तन, झूलन दर्शन, 1008 भोग अर्पण, इस तरीके के आपको कार्यक्रम वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। और महाअभिषेक जो है वो रात्रि 9 बजे आपको देखने के लिए मिलेगा, महाआरती जो कि रात के 12 बजे होने वाला है। और भाई प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो आपका जो पड़ने वाला है ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली। दोस्तों भाई मेट्रो आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस का पड़ेगा, वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ जाता है, तो आप रिक्शा वगैरह लेकर के आ सकते हैं। अगर आप पैदल आना चाहें तो आस्था कुंज करके एक पार्क है, वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं। और बाकी इसका जो लिंक है गूगल मैप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप चेकआउट करके आ सकते हैं। तो दोस्तों इस्कॉन टेम्पल के मेन गेट पे आ गए हैं भाई, यहाँ पे देख सकते हैं रथ बनाया हुआ है, श्री कृष्ण जो सारथी बने हुए थे ना वो दिखाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस्कॉन श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, मंदिर में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, इस तरीके का एंट्री गेट रहने वाला है। और ये देख सकते हैं भाई यहाँ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलो फिर यहाँ से एंट्री लेते हैं और सारा कुछ आपको जो है घुमाते हैं। आज जन्माष्टमी से एक दिन पहले का ये वीडियो है और ये आप वीडियो देख रहे हैं जन्माष्टमी के दिन, तो जन्माष्टमी में तो ये सारा पैक रहने वाला है, अभी के टाइम पे तो सारे खाली है। तो दोस्तों चलो चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं और आपको सारा कुछ घुमाते हैं भाई, किस तरीके की तैयारियां वगैरह हैं सारा कुछ दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं बाहर में कुछ इस तरीके की डेकोरेशन वगैरह हुई पड़ी है, काफी अच्छा लग रहा है भाई देखने में। ये देखो सारा लाइट से सजा रखा है। और यहाँ पे भाई जूते चप्पल उतारने का कुछ अभी तो हमें इंतजाम नहीं दिख रहा है, इसी तरीके के लोगों ने यहाँ पे खोल रखे हैं अपने जूते चप्पल जो भी है, तो हम भी अपने जूते खोल देते हैं और अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों इस्कॉन टेम्पल के आपको 2 एंट्री गेट मिल जाएंगे, हम मेन एंट्री गेट पे खड़े हैं। अगर आप उधर की तरफ से आते हैं, मतलब पार्क होकर के आते हैं, तो आपको वो वाला एंट्री गेट उधर की तरफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं भाई। एंट्री होते यहाँ से आप फूल मालाएं वगैरह जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो भाई यहाँ पे जैसे हम चेकिंग करा के एंटर होते हैं, सबसे पहले हम ये रेस्टोरेंट दिख जाता है, जहाँ पे आप जो भी कुछ खाना पीना चाहें वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इस तरफ देखो ये सारा डेकोरेट कर रखा है भाई, ये जो भी देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको ये देखो ऑडिटोरियम देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें वगैरह अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम अभी हम ऑडिटोरियम नहीं दिखाएंगे, सबसे पहले इधर की तरफ चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं, ठीक है, पूरा मंदिर घुमाते हैं, उसके बाद जो है चीज़ें वो दिखाएंगे। और दोस्तों इस तरफ आपको धार्मिक पुस्तकें वगैरह मिल जाएंगी, अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ, आगे चलते हैं और आप पहले दर्शन कराते हैं, उसके बाद जो है मंदिर की जो और सारी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे आप। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पेड़ों पे कितनी अच्छा लाइट से जो है मतलब डेकोरेट कर रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में भाई। ऐसे जगह जगह ना मतलब सारा इन्होंने लाइट से डेकोरेट कर रखा है, बहुत ही सही लग रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। आप जन्माष्टमी के अलावा और दिनों में आओगे ना यहाँ पे, तो जो आपके शूज़ वगैरह रखने के अलग से काउंटर वगैरह बना रखे हैं, बट जन्माष्टमी के दिन में वो मतलब बंद कर देते हैं, तो आप बाहर ही खोल करके आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बाहर ही उतार दिए हैं भाई। ऐसे जगह जगह पे देखिए महामंत्र लिखा हुआ है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी जगह पे जो है महामंत्र लिखा हुआ है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई देखने में। तो दोस्तों यहाँ से आप मंदिर के लिए जा सकते हैं, उससे पहले आपको ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मंदिर में अंदर जाने से पहले यहाँ पे आप गरुड़ भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं भाई, जो भक्तजन है वो परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद आप मंदिर के लिए अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं मंदिर के अंदर और जो भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम एंट्री गेट पे आ गए हैं भाई, और भीड़ देख सकते हैं भक्तों की कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ से देखो भाई, जो मंदिर है कितना भव्य सजाया हुआ है, बहुत सही लग रहा है भाई देखने में। देखिए वहाँ पे इस्कॉन लिखा हुआ है और ये बाहर से, मतलब अभी हम मंदिर के अंदर ही है, अंदर से देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जो है रंग बिरंगी लाइट से वहाँ पे डेकोरेट कर रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। नीचे देखो ये पेड़ पे लाइट से सजा रखा है। अंदर से तो भाई हम जो है दर्शन करके आ गए हैं और बहुत ही सही लगा, मतलब आज जन्माष्टमी से एक दिन पहले का ये सीन रहेगा। तो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे आप आएंगे ना, बिल्कुल फुल पैक मिलने वाला है आपको भाई। जो सारा बैरिकेडिंग वगैरह देख रहे हैं ना, जन्माष्टमी के टाइम पे ही लगाया जाता है। मतलब जन्माष्टमी टाइम पे जो मंदिर है उसे बहुत ही भव्य सजा दिया जाता है और काफ़ी कुछ यहाँ पे बदल जाता है, तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप जन्माष्टमी में आने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आइएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना मंदिर में अंदर जा करके, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है भाई, पेड़ों पर सारा लड़ियों से सजा रखा है। उस तरफ देखे तो उस तरफ देखे। तो दोस्तों ये है देखिए इस्कॉन ऑडिटोरियम, यहाँ पे आपको लड्डू गोपाल जी से संबंधित मतलब कपड़े वगैरह लेना चाहे, उनकी मूर्तियाँ वगैरह लेना चाहे वो ले सकते हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो इस तरीके का देखिए ऑडिटोरियम मिलने वाला है आपको, यहाँ पे आप काफ़ी कुछ ले पाएंगे। देख सकते हैं पेड़ों पे कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है भाई, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये देख सकते हैं वहाँ पर ये ब्रह्मचारी आश्रम है, बट अभी फिलहाल के टाइम के साथ वो बंद कर रखा है। और यहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर फोटो आने वाली है भाई, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हो भाई कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। जहाँ भी देख रहे हैं ना सारा, मतलब पेड़ों पे सारा लाइटिंग से डेकोरेट कर रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में भाई। ये देख सकते हो भाई लोग बाग फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, बहुत सुंदर फोटो आने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सुंदर सजा रखा है, मतलब पूरा मंदिर हमें सजा हुआ दिख रहा है भाई। जन्माष्टमी में बहुत ही सुंदर सजाया जाता है, अगर आप जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर आपको इस तरीके की सजावट वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है। ये मंदिर से पूरा मंदिर घूम करके आते हैं इस तरफ, ये देखिए पूरा यहाँ पे भी सारा डेकोरेट वगैरह कर रखा है और यहाँ पे भी महामंत्र जो है लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हिंदी में लिखा हुआ है, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। दोस्तों बाकी दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, देखिए श्री श्री राधा पार्थ सारथी महाप्रसादम। दोस्तों बाकी मंदिर के बाहर आ गए हैं, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और आप अगर जन्माष्टमी में आने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर आइएगा भाई, बहुत सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह की गई है अंदर, बहुत ही मतलब अंदर सजा रखा है। और सूजल ने भी दर्शन कर लिया, सूजल तेरे को कैसा लगा दर्शन करके? भाई काफी बढ़िया लगा दोस्तों। अगर आप सोचे जन्माष्टमी पर कि कौन से मंदिर में जाएं जन्माष्टमी बनाने के लिए, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए, तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि दोस्तों इस्कॉन टेम्पल में आ जाइए, जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश में है, जो कि सबसे बढ़िया जन्माष्टमी महोत्सव आपको देखने को मिलेगा। रंगारंग प्रोग्राम, लाइटनिंग का पूरा काम जो है वो आपको इस पूरे ब्लॉग में मनीष भाई ने आपको ये तो दिखाई दिया होगा भाई। आ जाइए, ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आप मंदिर से संबंधित कुछ भी जानकारी वगैरह लेना चाहते हैं, वैसे तो हमने सारा कुछ बता दिया है, कमेंट कर देना, रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। ब्लॉग में तब तक के लिए।